कैमरे में कैद ये तस्वीरें उन लोगों की हैं जिन पर सुनारिया गांव में हुए 12वीं कक्षा के छात्र मोहित की हत्या का आरोप लगा है। गांव के ही एक सीसीटीवी में कैद हुए कथित सभी आरोपी नाबालिग बताए जा रहे हैं। इनके मोबाइल फोन्स भी घटना के घंटों बाद तक खुले हुए थे, लेकिन बावजूद इसके पुलिस अब तक हत्या आरोपियों को पकड़ने में नाकाम साबित रही है। परेशान परिजन एसपी कार्यालय के बाहर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर पहुंचे, जहां पुलिस ने उन्हें आश्वासन देकर घर जाने को कहा। सूत्रों की माने तो मृतक के परिजन शव को पोस्टमार्टम के बाद लघु सचिवालय के बाहर रखकर हत्या आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने वाले थे, जिसकी सूचना पुलिस को लगते ही पुलिस ने लघु सचिवालय की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी और एसपी कृष्ण कुमार ने लघु सचिवालय के गेट पर पहुंचकर खुद मोर्चा संभाला और परिजनों को आश्वासित कर शांत किया। कल एक लड़का है मोहित, वो जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता था, थर्ड क्लास में सुनारिया गाँव में, तो कल उसका लड़कों ने मर्डर कर दिया। तो उसके बारे में ये लोग आए तो उनका हमने राउंड अप कर लिया और पुलिस की कार्रवाई से वो संतुष्ट। पांच भाई ने उनको पाँच में तो हमने राउंड अप कर लिया है, बाकी जो अन्य हैं उसके बारे में अभी 25 से तो जो भी बात सामने आई। सर अभी तक कारण का पता लगा किस रंजिश के कारण? वो बच्चों का ही था, तो लगता है कि अभी स्पष्ट नहीं हो पाया, फिर भी हम तक ही बात कर रहे हैं, तो जैसा भी सामने आएगा आपको। सर जाँच में कितना अब तक कितने लोगों का नाम आया सर? अभी तक एफ आई आर में जो उनके पिताजी हैं श्री नूप सिंह, उन्होंने 5 आदमियों का भाई नहीं देखा और हमने उन 5ों को राउंड अप कर लिया। बाकी जो कुछ 2-3 और लड़के हैं उन्होंने बताए हैं उसके साथ में, उनके जो नाम है जी पता करना बाकी है, तो जो भी पूछताछ में सामने आएगी याद आ सकता है। परिजनों के साथ ही भारी संख्या में हत्या से गुस्साए गांववासी भी लघु सचिवालय का घेराव करने पहुंचे। गुस्साए परिजनों ने आरोप लगाया है कि घटना के 24 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस छात्र के हत्यारों को पकड़ने में नाकाम साबित हुई है, जिससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होते हैं। जी कल मोहित स्कूल से आ रहा था 2 बजे के आसपास, और ये 7-8 लड़के थे जी जिनने इसको मोहित को घेर लिया है और इसको चाकू मार दिया जी। बचाव के लिए मोहित जब भागा है तो एक मकान के अंदर घुस गया है, वो सीसीटीवी में कैमरे में कैद भी हुई है वो। और जो मारने वाले लड़के हैं जी, एक का नाम सुमित है और एक का नाम वो पंजाबी है जी, और एक का नाम आदर्श नाम है, ये 3-4 और एक कालिया लड़का है जी। एक बट्टू है जी, ये सुनारिया गांव के ही लड़के हैं जी, हम सुनारिया गांव के ही लड़के हैं जी। कारण क्या बताया, क्यों की हत्या? कोई कारण नहीं है जी, स्कूल में इकट्ठे जाते थे और ये स्कूल से आ रहा था मोहित जी, तभी इनके वारदात को अंजाम दिया जी। तो ये बताया जा रहा कि झगड़े के बीच में बड़ा था सुलझाने के लिए, उनको बचाने के लिए कि भाई आप झगड़ा मत करो, ऐसा भी कुछ? ऐसा ही है जी, वो घर आ रहे थे ना तो 2 लड़के थे जी, एक मोहित था एक उसके साथ में और था, तो वे आपस में वे 3 बाइका के ऊपर 8 बंदे थे जी, और वे वहाँ पर खड़े थे। चलो भाई रे, क्या पुलिस क्या आश्वासन दे रही है आपको? पुलिस आश्वासन दे रही है कि जी हमने 4 बंदों को उठा लिया, लेकिन 24 घंटे हो गए ऐसी अभी तक कोई गिरफ्तारी दिखाई नहीं है जी। क्या चाहते हैं क्या हम? तो ये चाह रहे हैं जी सब के सब अरेस्ट होने चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अभी 24 घंटे होने वाले हैं जी, 24 घंटे हो गए हैं जी, वो होटलों में बैठ कर ना इंजॉय कर रहे हैं और हम खून के आंसू रो रहे हैं। रोहतक में अपराध अपनी चरम सीमा पर है, आए दिन हो रही हत्याएं इस बात का सबूत है कि जिला पुलिस कितनी सतर्क है। मंगलवार को हुई छात्र की हत्या से पूरा जिला भयभीत है। मामूली से आपसी विवाद में स्कूल के छात्र की हत्या कर देना वाकई ही भयभीत करने वाला है। परिजनों का आरोप है कि उसके साथ पढ़ने वाले सहपाठियों ने ही मोहित की चाकुओं से गोद कर हत्या की है। घटना की कुछ तस्वीरें सीसीटीवी में भी कैद हुई हैं। अब ऐसे में देखना ये होगा कि पुलिस कब पूरे मामले का खुलासा करती है और मासूम छात्र के हत्यारों को सलाखों के पीछे पहुंचाती है।